राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के गुड्डा मालानी से विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद उठे बवंडर को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितने कामयाब रहे। क्या राजस्थान में पायलट गुट की बगावत को रोकने में क्या कामयाब होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान की गहलोत सरकार पर क्या संकट है, इसको लेकर भी आज के वीडियो में बात करेंगे और वर्तमान में राजस्थान में जारी सियासी और राजनीति को लेकर भी अपडेट देंगे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में विधानसभा चुनाव 2018 के बाद भी है। आपको बता दें 2020 में जब सचिन पायलट ने बगावत की थी तब एक खबर सामने आई थी कि पायलट और गहलोत के बीच लगभग 1.5 साल से बातचीत भी नहीं हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी तनातनी है और इसी बीच पिछली बार बगावत की थी तो यहाँ पर 21 के आसपास लगभग विधायक थे, लेकिन इस बार ऐसी खबरें हैं कि पायलट खेमे के पास लगभग जो विधायकों की संख्या है वो बढ़कर 35 से 38 विधायक हो चुके हैं, जिससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ा झटका लगा है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर हेमाराम चौधरी को बड़ा गिफ्ट दिया है। दोस्तों, गुड्डा मालानी के विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के 8 दिन बाद गहलोत सरकार ने पिछले कई सालों से 3 KV सब स्टेशन नारबाज नहर परियोजना स्वीकृत कर दी है। इसलिए गुड्डा मालानी विधायक जोधपुर डिस्कॉम 33.11 के संता के 3 GSS की स्वीकृति कर दी गई है। गुड्डा मालानी विधायक हेमाराम चौधरी 18 मई को विधानसभा अध्यक्ष हुए थे। इसके बाद राजस्थान राजनीति में भूचाल आ गया था और अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं पायलट समर्थक विधायकों को। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में टिप्पणी कर चुके हैं। इसी बीच खबर ये भी है कि अशोक गहलोत जल्द ही सामने आने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर कुछ बड़ा करने वाले हैं। आपको बता दें कि खबर ये भी है कि पायलट गुट की ओर से अब मामला सुलटाने के लिए पायलट गुट को समझाने के लिए राहुल गांधी खुद राजस्थान की राजनीति में दखल दे सकते हैं। राहुल गांधी राजस्थान की राजनीति में आने से सचिन पायलट और अशोक गहलोत में चल रहे सियासी संकट को सुलटा कर काफी हद तक आगे आ सकते हैं। राजस्थान सरकार में जो संकट है उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी को कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि पायलट गुट जिस प्रकार से राजस्थान में सियासी तेवर दिखा रहा है तो निश्चित तौर पर राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में चुनाव में झटके लगेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर राजस्थान की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।